दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव सेशन सिडको के 50 साल कितने सवाल। और इस वक्त जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिडको का नियोजन है, जो उसका प्राधिकरण का कामकाज है और जो उसकी नीतियां हैं और जो उसकी मनमानी है, उसका कितना इम्पैक्ट प्रकल्पग्रस्तों पर पड़ा है, नागरिकों पर पड़ा है, नवीनबाइकरों पर पड़ा है, इसी विषय को लेकर आज हम तमाम अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रकल्पग्रस्त नेता राजाराम पाटिल साहब। आप लंबे समय से प्रकल्पग्रस्तों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई आंदोलन आप कर चुके हैं और इस वक्त जो नवीनबाई के तमाम इलाकों में प्रकल्पग्रस्त अपने न्याय के लिए आंदोलन पर उतरे हैं, काला दिवस मना रहे हैं, सिडको चले जाओ का नारा दे रहे हैं, उस आंदोलन को भी आपने समर्थन किया और उनको प्रेरित किया है, उनके साथ खड़े हैं ताकि प्रकल्पग्रस्तों को जो पीड़ित हैं सिडको से 50 सालों से 51 सालों से उन्हें न्याय मिल सके। हम आज आपसे पाटिल साहब जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है प्रकल्पग्रस्तों के ऊपर, क्या जो मकसद था सिडको का कि जिनसे ज़मीनें ली जाएंगी उनके साथ न्याय किया जाएगा, उनका पुनर्वसन किया जाएगा, उन्हें नुकसान भरपाई दी जाएगी, इन 50 सालों में आप सिडको की भूमिका को कैसे देखते हैं? सिडको ने सिर्फ लूटा है लोगों को, यहाँ के लोगों को। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले आदिलशाही और निजामशाही थी, वो लोगों को लूटते थे, उनके जो जमींदार लोग थे वो लूटते थे। वो लूट के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने रयतेचा राज्य केलं, म्हणजे लोगों का राज्य किया, और उसके बाद फिर से पेशवाई आ गई और पेशवाई के बाद हमको आजादी मिली, ऐसा हम बोलते हैं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने देश के जो लुटारू लोग थे उनका ही राज सिडको के माध्यम से यहाँ आया। और छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में हम जमीन के मालिक थे, समुन्द्र के मालिक थे, उनको फिर से भूमिहीन बनाने का काम और उनको लूटने का काम सिडको ने यहाँ किया है। क्या लग रहा है आपको इसमें न्याय में अगर देरी हुई है तो जो प्रोविजन किया गया था गवर्नमेंट ने, जो नीतियों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है कानून के, कि जिनकी जमीनें ली जाएगी उनको न्याय दिया जाएगा, उनका पुनर्वसन किया जाएगा, इतने साल से नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये राज्यकर्ताओं को स्वभाव, राज्यकर्ता जो लोग हैं उनका स्वभाव है, उनको मालूम था यहाँ की जमीनें लेके हम बेच सकते हैं क्योंकि मुंबई के जमीन का जो भाव है वो बढ़ रहा था। तो ये सिडको सिर्फ नाम है नया शहर बनाने का, यहाँ के ओबीसी लोगों का, आगरी कोली कराड़ी लोगों का जमीन लेने का और मार्केट में बेचने का ये धंधा ही किया है। अभी 5-6 महीने 15-20 दिन पहले सानपाड़ा का जमीन प्लॉट बेचा इन्होंने 650 करोड़ का सौदा किया। तो आप हर 3 महीने के बाद इतनी बड़ी जमीन बेचते हो तो जिनका जमीन लिया है उनका 12.5% का पुनर्वसन पूरा नहीं होता, 22.5% का पूरा नहीं होता। मतलब ये दिखाने का काम है पुनर्वसन कर रहे हैं, इनका ये व्यापार चल रहा है, धंधा चल रहा है और लूटमार चालू है और इनके खिलाफ बोलने के लिए कोई नहीं है, पुलिस इसके हाथ में है, मीडिया के लिए बहुत बड़ा पैकेज ये लोग देते हैं। तो गरीबी के लिए आवाज कौन उठाता है? आप जैसे पत्रकार है वही आज पूरा दिन आपके इधर चालू है, ऐसा कभी हुआ है क्या? काला दिन तो हमने प्रकल्पग्रस्तों ने रखा है लेकिन महाराष्ट्र और देश के मीडिया ने भी ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो लूटने का काम कर रहे हैं। तो पहले हम अंग्रेजों से लूटे गए, मुगलों से लूटे गए, अंग्रेजों से, पोर्तुगीज से लूटे गए और ये कौन से लोग है सिडको नाम के जो लोगों को, अपने ही देश के लोगों को लूट रहे हैं? और इसके लिए हमने ये आज काला दिन रखा है। स्वातंत्र के बाद, स्वातंत्र हमको मिला उसके बाद जो गोलीबार हुआ वो यहाँ के शेतकरी लोगों के ऊपर, मतलब अंग्रेजों के जमाने में जमीन लेना है, स्टेट लेना है तो पुलिस गोलीबार करती थी लेकिन अभी अपने ही देश के पुलिस ने हमारे लोगों को जासे में दीबा पाटिल साहब का आंदोलन चला उनके ऊपर गोलियां डाली, ये कौन सा न्याय? और उस दिन से सिडको पुलिस को हाथ में लेके हमारे घर खाली कर रहे हैं, गांवटन खाली कर रहे हैं और पुलिस बोलते हैं हम कानून से, कानून के ऑर्डर से आते हैं और हमारे घर तोड़ते हैं, लेकिन सिडको के लिए पुलिस है क्या? समझो हमारे किसी आदमी ने बोला हमारा घर पुराना घर है उसका रक्षा होना चाहिए, उसके लिए पुलिस आती है क्या? पुलिस को मेरा क्वेश्चन है, कभी आप प्रकल्पग्रस्तों के लिए संरक्षण के लिए कभी संरक्षण दिया है क्या? घर के संरक्षण के लिए, गांव के संरक्षण के लिए? सिर्फ ये लोग अतिक्रमण करते हैं, ये लोग गलत का घर बनाते हैं ऐसा बोल के तोड़ने का ही काम आप करते हो। इसका मतलब दीबा पाटिल साहब के आंदोलन के ऊपर जो गोलीबार हुआ था उसी टाइम से पुलिस को लेकर ये भूसंपादन हुआ है, ये जबरदस्ती हुआ है, ये कानून से हुआ नहीं है।
आप लोकशाही बोलते हो तो लोगों को आनंद मिलना चाहिए, हम देश के लिए जमीन दे रहे हैं, शहर के लिए दे रहे, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन आप गोली सामने रख के मार के लेते हैं, ये गलत है। अभी इतना गुस्सा कोरोना में भी लोगों के मन में है कि लोग बोल नहीं सकते, गोली तो बंदूक तो सबके पास होती है लेकिन लोग बोल रहे, अत्याचार सहते हैं लेकिन लोकशाही में अपना जो अन्याय अत्याचार है वो बोलने का लोकशाही में तरीका मीडिया है, इसके लिए है। लेकिन अभी एयरपोर्ट में 100 घर पाड़े गए, बाकी जगह पे क्या बोलते हैं, कोरोना है इसके लिए बाहर नहीं जाने का आंदोलन, नहीं कार्रवाई आंदोलन नहीं होगा, लेकिन पुलिस कोरोना में घर गिरा देती है। 2000 साल पहले बौद्ध लेनी तोड़ी गई एयरपोर्ट में, और हमारे पर्यावरण मंत्री बोलते हैं कि पर्यटन होना चाहिए नवी मुंबई में, दिखाने के लिए कुछ हम नया बना रहे, पत्थर इकट्ठा किए खारघर में और चौक में रखे। अरे 2000 साल पहले पत्थर में जो किया था काम, पूरे वर्ल्ड को चाहिए देखने के लिए, मतलब जो पुरातत्व विभाग ने उन्होंने रक्षा किया, कानून से रक्षा की थी, वो इन्होंने ब्लास्ट करके तोड़ दिया। तो ये कौन सा ये है, ये छिड़को कौन है? छिड़को भू माफिया है और चोर है। पुराने जमाने में हम खोती के खिलाफ लड़े थे, वही आंदोलन अभी खोती, आधुनिक खोती बोलते हैं, जमींदारी बोलते हैं, जमींदार लोगों के ही छिड़को है। छिड़को ने दिखाना चाहिए आदिवासी लोगों का पुनर्वसन कैसा किया है, SC ST लोगों का पुनर्वसन कैसा किया है, हम आगरीकोड़ी लोग OBC है तो हमको लूटने का ही काम किया था, हम तो पहले तो भूमिहीन थे, बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में कुल कायदा हो गया तभी हमको जमीन मिली थी, और अभी फिर से इन्होंने भूमिहीन किया। ये देश का डेवलपमेंट है क्या, आधुनिक अधोगति है? तो सिडको ये सब 420 गिरी है, लोगों को फंसाने का काम है। शासन ने भी यहाँ देखो, अभी ये JNPT बंदर है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अलीबाग तालुका में अभी रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ का CSR फंड JNPT का सिडको का किधर जाए, नागपुर में बारामती में, तो यहाँ का डेवलप नहीं, मेन नहीं हो, तुम हमारा जमीन लेते हो 1 रुपए में, 100 रुपए में बेचते हो, 1000 रुपए में बेचते हो, और सो पैसा जो उसमें निर्माण होता है वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। एक भी JT नहीं है, इतने कोलीवाड़ाज है, इतने बंदरगाह है, यहाँ का जो खाड़ी है उसको गटार बना दिया आपने। वर्ल्ड में देखो जो खाड़ी है उसको जलवातिक होती है, मतलब समुद्र से जलवातिक होती है, इन्होंने क्या किया, मतलब सिडको के जो अभी MD बैठे है उनको मैं चैलेंज करता हूँ, आप IAS हो तो वर्ल्ड का समुद्र का एरिया देखो और सिडको का देखो, आपको बैठने का अधिकार नहीं, आप अभी भाग जाइए यहाँ से, ये हमारा कहना है। सब जितने भी IAS लोग हैं इन्होंने फंसाने का काम किया है। इसके लिए बीच में ABP माजा पे आया था कि हमारे यहाँ जो IAS होते हैं बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग देश की जनता का भला करने का काम नहीं करते है। यहाँ बुद्धिमान लोग IAS लोग गरीब लोगों को जमीन कैसे हड़प करना चाहिए ये संशोधन करते हैं। संजय भाटिया ने एयरपोर्ट का प्लानिंग किया, 2013 का कानून था, 2013 के कानून से मछुआरों को पुनर्वसन है, मछुआरों को पुनर्वसन है, 22.5% का जो पैकेज है उससे अच्छा पैकेज 2013 का कानून में था, सब आदिवासी लेके सब मागा सबको पुनर्वसन था, इन्होंने वो कानून बाजू में कर दिया और बोला 22.5% का कानून अच्छा है, उसमें जमींदार लोगों को फायदा हो गया, आपको मालूम है मुंदड़ा करके जो प्लॉट है भूमिराज बिल्डर को मिला है, भूमिराज बिल्डर, वो जमीन किसका, हमारा है, कोली और कराड़ी लोगों का है, तो उसका प्लॉट भूमिराज को कैसे मिला, हमारे लोगों का अभी तक पुनर्वसन नहीं है, मछुआर लोगों का पुनर्वसन नहीं, मतलब सिडको में जो IAS बैठे है ये चोर लोग है, सिर्फ उनका कॉलर व्हाइट है, हमारा ब्लू है, उनका व्हाइट है, लेकिन लूटने का ही काम कर रहे हैं। तो IAS बनाते हैं हमारे यहाँ, किस लिए IAS बनाते हैं, ये संविधान किसके लिए है, ये सब चोरी है। और अभी की जो प्रकल्पग्रस्त लोगों की युवा पीढ़ी है उनको मालूम हो गया सिडको में प्रकल्पग्रस्त का पुनर्वसन कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी पुनर्वसन नहीं हुआ है, जमीन दिया मतलब पुनर्वसन नहीं हुआ, जमीन अभी सिडको के एरिया में घर बनाने का काम गरीब आदमी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, उसको लोन नहीं मिलेगा बैंक से तो कैसे मिलेगा। बिल्कुल, अब अभी उसका खेती है, साखर कारखाना है, उस 16,000 करोड़ रुपए लोन मिल रहा है, तो उसके खेती के लिए और साखर कारखाने के लोन मिल सकता है, तो यहाँ के शेतकरी भूमिहीन हो गए, उनके पुनर्वसन का जो प्लॉट मिला है उसको बनाने के लिए लोन नहीं है, तो इसका फायदा डायरेक्टली बिल्डर को होगा, बिल्डर को होगा, मतलब बिल्डर और सिडको ये लोगों ने ये लोगों को भूमिहीन बनाया, चोरी किया, और इनका जो शाप है, उनका जो संताप है अभी आगे आएगा। सिर्फ लोगों अपना लोकशाही के कारण, लोग बहुत सज्जन है, वो हथियार हाथ में नहीं लेते हैं, मतलब बंदूक की गोली हाथ में नहीं लेंगे, हम बोल सकते हैं, हम विधानसभा में लड़ सकते हैं, लोकसभा में लड़ सकते हैं, पत्रकार लोग हम बातें कर सकते हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा बहुत है। अभी कोरोना में घर पाड़े हैं लोगों के, समझो वो आपके कानून से अनधिकृत है लेकिन वो घर ही थे ना, आप क्या बोल रहे हैं, हम शहर बना रहे, लोगों को घर दे रहे,
तो जिनको पहले से घर है उनका न्यू बॉम्बे में, उनका घर आप तोड़ रहे हैं और किसको घर दे रहे हैं आप? ये गलत है, ये चोरी है। और सबसे बड़ी चोरी, बाकी जो राज्यकर्ता वर्ग है महाराष्ट्र का, उन्होंने तो चोरी की है। शिवाजी महाराज ने जिनसे लड़ाई की थी, जमींदार लोग, सरंजामी लोग, जैसे महाराष्ट्र में जिनको जमींदार बोलते हैं, जिनकी 2-2 हजार 5-5 हजार एकड़ जमीन थी, उनसे लड़े थे शिवाजी महाराज। और रेत को जमीन दी थी, नांगर के बैल दिए थे, मतलब सब बियाना सब दिया था शिवाजी महाराज ने। ये शिवाजी महाराज का रेत का स्वराज्य इन्होंने तोड़ा है और महाराष्ट्र के ऊपर आज जो राज्य कर रहे हैं वो सरंजामी लोग है, लूटमार लोग है। आप महाराष्ट्र से नहीं रहेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर, नारायण नागू पाटिल, इन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई की थी। और बोले जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है उनको जमीन दे दो, 2 गुंटा 5 गुंटा 10 गुंटा। न्यू बॉम्बे के जो आगरी कोली कराड़ी लोग है, ये 2 एकड़ से 3 एकड़ तक जमीन के मालिक थे, या कोई भी 5 एकड़ का मालिक नहीं था, 1 हेक्टर का भी मालिक नहीं था। इनको भूमिहीन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा यह प्रश्न है कि मुंबई के जो आगरी कोली कराड़ी लोग है उनको आपने भूमिहीन किया, उसके बाद नवी मुंबई के 95 गांव है उनको भूमिहीन किया, अभी पूरे रायगढ़ और कोकण को आप भूमिहीन कर रहे, और दूसरी जगह देखो महाराष्ट्र में अभी भी उदयन राजे भोसले वगैरह लोगों का 40-40 हजार एकड़ जमीन है। तो शिवाजी महाराज ने बताया था गरीब लोगों को, जनता को जमीन बांटो, तो आपने किसके लिए जमीन रखा है? अभी ये महाराष्ट्र के जितने भी राज्यकर्ता लोग हैं उनका मेरा कहना है, न्यू बॉम्बे को आपने भूमिहीन किया है, मुंबई को किया है, रायगढ़ को कर रहे हैं, हमारा पुनर्वसन किधर करेंगे आप? क्योंकि हम समुद्र के बाजू में रहने वाले लोग हैं। पुना में समुद्र बना सकते हैं क्या? बारामती में बना सकते हैं क्या? मैं पाटिल साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने एक बात कही कि सिडको एमडी को यहाँ पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं अपने दर्शकों को दोबारा बताना चाहता हूं कि सिडको एमडी से हम लगातार 5 दिनों से संपर्क में थे, उनके लास्ट तक कहा गया कि हम जवाब देने के लिए आएंगे, चूंकि प्रकरणग्रस्तों का आंदोलन चल रहा है, वो न्याय के लिए सड़क पर उतरे हैं और उनको 51 साल में आपने न्याय नहीं दिया है, इसलिए प्रकल्पग्रस्त आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए। उसका जवाब देने के लिए सिडको का कोई भी अधिकारी फ्रंट फुट पर मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, आपको जानकारी देता हूं कि हमने लगातार उनसे कोशिश की कि सिडको का कोई अधिकारी MD ये खुले मंच पर आकर जवाब दें, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो डिजिटली ऑनलाइन ज्वाइन होकर वो जवाब दें जो जनता के सवाल हैं, उन्होंने नहीं दिया। मैं बहुत सारे स्टैंडर्ड बिल्डरों के जो प्रतिनिधि करते हैं संस्थाओं के, बिल्डर संस्थाओं के, उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि आप इस लाइव सेशन में जुड़िए और सिडको की जो खामियां हैं वो बताइए। कोई भी तैयार होने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये बंदरबांट का खेल है और इस बंदरबांट के खेल में आम जनता और जो प्रकल्पग्रस्त हैं वो पिस रहे हैं। पाटिल साहब ने कहा कि सिडको के किसी भी अधिकारी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं, और जो राजनेता जिन्होंने प्रकल्पग्रस्तों के साथ अन्याय किया है, कानून का मजाक बनाया है, जो पुनर्वसन पैकेज का नुकसान पहुंचाया है, उनको भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप किसे जिम्मेदार सबसे ज़्यादा मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब ये लड़ाई, ऐसा यहाँ के जो नवम्बई के लोग हैं ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ प्रकल्पग्रस्तों की लड़ाई है? 40% प्रकल्पग्रस्त अगर मान लेते हैं, 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ ज़मीनें खरीदी हैं, जिन्होंने घर खरीदा है, वो समझते हैं कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, जबकि सिडको ने उनसे लाखों रुपए लेकर उन्होंने लीज पुत्र बना के रखा है। हमारे पिछले सेशन में दशरथ भगत साहब थे, उन्होंने इस बात को कहा कि ऐसा समझना भ्रम है, ये लीज वालों के लिए भी उतना ही अन्याय सिडको ने किया है जितना कि भूमि पुत्रों के साथ किया है। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई इसीलिए लड़ाई जो है थोड़ी कमजोर पड़ रही है? नहीं, ये आपने जो बात अभी निकाली और हमारे जो नेता है दशरथ भगत साहब, उन्होंने जो बात मुझसे भी बात हो गई थी इसके बारे में, तो वो सही बात है। मतलब आपको बताते हैं कि आज भी देश में जो 15% लोग है उनके नाम पे 85% जमीन है, देश की जमीन है, जैसे अदानी अंबानी वगैरह सब पकड़ के, तो उनके नाम पे जमीन है। तो हम बराबरी की बात करते हैं, न्याय का समानता होना चाहिए, संविधान बोलता है कि न्याय समान होना चाहिए, आर्थिक समता होनी चाहिए, जमीन हो, कारोबार हो, धंधा हो, उसमें समता होनी चाहिए, सरकारी नौकरी है उसमें समता होना चाहिए, यह संविधान बोलता है। लेकिन संविधान के पहले हमारे देश की जमीन का बंटवारा था वो जमींदार लोगों के पास था। अभी मैं सिडको के माध्यम से हमारे पढ़े लिखे भाइयों को भी कैसे फंसाया गया, जैसे थाना में मेरा एक लेक्चर था बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर, वो पढ़े लिखे लोग IAS ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर थे वो, आप बाबा साहब अंबेडकर के बारे में पूछो तो सोसाइटी का नाम नहीं बताता मैं आपको, वो सोसाइटी में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। मैंने बोला कि ये आपके सोसाइटी है वो सबसे बड़ी सोसाइटी है थाना की, लेकिन वो सोसाइटी के नाम पे नीचे का जमीन है क्या? देखो तो बोले नहीं है जमीन।
तो इतने बड़े आईएएस लोग हैं, जैसे न्यू बॉम्बे में अभी कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनको लगता है ये गांव वाले मतलब अनपढ़ है, मछली पकड़ने वाले हैं, उनको कुछ पढ़ाई नहीं है। सब पढ़ने वाले लोगों के लिए मैंने ये बात करता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, न्यू बॉम्बे में जो प्रॉब्लम गांव में है, गांव का जमीन अपने नाम पे नहीं लगा है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, बराबर है। और वो भी कौन लोग है जिन्होंने न्यू बॉम्बे को पूरा जमीन दिया, मतलब 95 गांव हमारे गए है, थाना तालुका के 29 है, पनवेल तालुका के 38 है, उरण के 28 है, और हमारा इसमें जमीन है जो शेतकरी लोगों का वो 16,512 हेक्टर जमीन है। अच्छा, एक हेक्टर मतलब 100 गुंठा और 2.5 एकड़ मतलब एक हेक्टर सरकारी जमीन थी जो अपनी ही थी 9,587 हेक्टर, और मिठागर है 2,720 हेक्टर, मतलब यह हमारी इंडस्ट्री है मिठागर, अग्रिकोली लोगों की। अभी इंडस्ट्री इधर बना रहे लेकिन एमआईडीसी बना रहे, लेकिन हमारा इंडस्ट्री मिठागर था, इतनी सारी जमीन हमारी गई और फिर हम हमारा जो गांव है उसका जमीन हमारे नाम पे नहीं, इसके लिए अभी गांवठन का आंदोलन हमारा चालू है। लेकिन हमारा जमीन बेच के गवर्नमेंट ने जमीन लिया और हजार गुना फायदा लिया, प्रॉफिट कितना लिया, हजार गुना प्रॉफिट लिया, और जिनको जमीन दिया है उनके भी नाम पे जमीन नहीं है, वो लीज पे है, वो भाड़े है, भड़ोतरी है, तो मतलब ये महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के पहले जो जमींदार थे, सरंजामी लोग रहे, उनका ही अभी हक है। अभी लोकशाही में मैं बात करता हूँ, मैं स्कूल टीचर था न्यू बॉम्बे में, तो मैं पढ़ाता था बच्चों को, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, भारत माझा देश आहे, बच्चे पूछते हैं हमारा देश किधर है, मतलब ये हॉल अपना देश है, ये बिल्डिंग अपना देश है, तो देश की पहचान जमीन से होते, जमीन किसके नाम पे है, अंग्रेजों को हमने भगाया और जमीन हमारे देश के हो गए, लेकिन न्यू बॉम्बे के जितने भी नागरिक है पढ़े लिखे आईएएस इंजीनियर डॉक्टर सब पत्रकार, उनकी जमीन उनके नाम पे नहीं है। आपका पोता आपका बच्चा पढ़ेगा पूछेगा कि भारत बापा पप्पा भारत माझा देश आहे, मग आमचा भारत देश कुठे आहे, खालची जमीन सोसायटीच्या नावावर नाही, फ्लॅट फक्त नावावर आहे, जर ती बिल्डिंग पडली, बिल्डिंग पडल्यानंतर खालची जमीन शिडकोच्या नावावर, मग तुमचा फ्लॅट गेला कुठे, म्हणजे हा प्रश्न फक्त आगरीकोळी कराळी लोकांचा नाही, जमीन हक्क हा प्रत्येक नागरिकाचा विषय आहे। हमारे देश के सैनिक कारगिल में लड़े, 15-15 गोलियां छाती पीली, वहां तो पत्थर पड़े थे, लेकिन वो बोले हमारे देश के मातृभूमि के लिए हम लड़े, और मातृभूमि को लीज पे देने का धंधा बेचने का धंधा ये शिड़को कर रही है, ये देश के खिलाफ संस्था है, कानून के खिलाफ है। मुझे इतना गुस्सा आता है, कि एमडी को ऐसा दो हाथ पकड़ के इसको हिलाऊ कि साहब आप आईएएस है, आपने संविधान पढ़ा है, आपने परीक्षा दी है, कुछ तो बात करो हमसे। इधर जमीन के आंकड़ेवारी मैंने बताई, लेकिन कागज पे नहीं है, जो गया है हमारा, ये जो कोली टोपी डाली है, हमारा समुन्दर गया है, समुन्दर के बारे में शिड़को ने एक लाइन नहीं लिखी है। अभी शिड़को के पास मैं जाता हूँ कि विमानतल में जितने जो 10 गांव है मच्छीमार गांव है, उनका पुनर्वसन किधर किया हमने, तो बोलते समुन्दर गवर्नमेंट का होता है, वो समुन्दर गवर्नमेंट का होता है, तो दिखाओ किधर गवर्नमेंट का है, वो तो समुद्र हमारा है। छत्रपति शिवाजी महाराज बोले थे जाचे आरमार त्याता समुद्र, समुद्र के ऊपर जो काम करता है उसका समुद्र, मछुमारी हमारी है, बोट हमारी है, समुद्र पे हर दिन हम जिधर नेवी नहीं जाती उधर हम जाते हैं, तो समुद्र हमारा है, तो समुद्र का बात सिड़को नहीं कर रही। मतलब कानून के इतने बड़े जानकार लोग है, यहाँ के वकील है, एडवोकेट्स है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जो ये जो क्लिप है वो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देखे होंगे, तो उन्होंने उनको बताना चाहता हूँ मैं, अरे पूरे मुंबई में, पूरे थाना में, पूरे रायगढ़ में, पूरे इसमें जमीन ली गई, इसके बारे में आवाज उठाया गया, लेकिन समुन्दर गया तो किसी ने आवाज नहीं, और समुन्दर से ही अंग्रेज लोग आए थे, समुन्दर से ही पोर्तुगीज आए थे, उनको रोकने का काम हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने किया था, और आप हमको कौन सी देशभक्ति बता रहे। तो ये जमीन हमारी है, जमीन हमारा राष्ट्र है, 7/12 हमारा होना चाहिए, ये बात न्यू बॉम्बे के सभी लोगों की है, मतलब पनवेल महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका, जिसमें पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको मैं भी बताता हूँ। गांव वाले लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन व्यावहारिक शान पर उनके पास है। वो गांव वाला शेतकरी है, आपको बोट का हिसाब मालूम है, बोट में दो आदमी चलते हैं, एक बहुत बड़ा उद्योगपति है और मछुआरा है, बीच में बोट जाती है, वो बोलता है पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा हो मेरा पेपर में नाम आता है, लेकिन बोट जब डूबती है तो पढ़ाई लिखाई नहीं, तैरना काम आता है। वैसे यहाँ गाँव वाले लोग जो बताते हैं ना जमीन हमारा नाम पे होना चाहिए, एक कॉलोनी ने भी बोलना चाहिए और पूरे देश ने बोलना चाहिए, पूरे देश ने बोले, जो सैनिक हमारे लड़ रहे कारगिल में वो भी जमीन के लिए लड़ रहे, हम नागरिक है वो भी जमीन के लिए लड़ रहे,
सिडको के एमडी रहेंगे, नगर विकास के मंत्री रहेंगे, एकनाथ शिंदे वो मालिक नहीं, न्यू बॉम्बे के मालिक नहीं, उन्होंने एक दिन में जो कन्वेंसड है सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए, मतलब वो 7-12 ऐसे ही होना चाहिए, उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है। पैसा भरा है ना लोगों ने, लोगों ने पैसा भरा है, कानून बोलता है 12 साल रहने के बाद कोई भी मालिक बनता है एडवर्स पोजिशन के हिसाब से, तो दे दो आपको, कितना टाइम लगता है। हमारा शेतकरी घर में रहता है, खेत में रहता है, एक दिन में सिडको के ऑफिसर 7-12 नाम पे करते, एयरपोर्ट का पूरा 7-12 पोजिशन लिए बिना नाम पे हो गया, ऑफिस में बैठ के किया। सिडको के जो सब माने बिने साहब है उनको मेरा कहना है, और अपने नाम पे किया, तो अभी हम इधर रहते हैं, हम यहाँ के मालिक है, सोसाइटी के लोगों ने सब खरीद के लिया है, रजिस्टर किया है, ट्रांसफर किया है, जो कुछ टैक्स है वो भरा है, तो जमीन नाम पे क्यों नहीं हो रही? वो सब मुंबई का और सब देश का काम है, और देश के जो राज्यकर्ता लोग है वो पढ़े लिखे लोगों को, आम आदमी को, सबको फंसाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने मराठी में कहा था हमारे अलीबाग ने, कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर का राष्ट्रवाद किसी को पता नहीं चला। बाकी लोगों ने राष्ट्रवाद बताया, लेकिन वो हवा का राष्ट्रवाद, मरने के बाद स्वर्ग में आपको मुक्ति मिलेगी, हमको यहाँ मुक्ति चाहिए, और ये जमीन की लड़ाई सिडको को यहाँ से भगाकर हम सक्सेस कर देंगे। आपने एक जिक्र किया कि कुछ राज्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सही तरीके से इसको पेश नहीं किया, या उन्होंने ईमानदारी नहीं बरती, जिसके वजह से आज ये कंडीशन आई है, किन्हें आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या जो रायगढ़ नवम्बई, खासकर रायगढ़ पनवेल उरन में जो ये नवम्बई में जो प्रकल्पग्रस्तों के साथ अन्याय हुआ, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है, कौन नेता है जिन्होंने ईमानदारी नहीं बरती और सिडको के साथ हाथ मिला लिया? देखो, जब हम खुद को नेता मानते हैं तो नेता मानते हैं तो लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। यस, जिसको जो जो जिम्मेदार नेता है उसके हृदय में अभी मालूम पड़ेगा कि हमने हमारे लोगों को फंसाया है, मतलब गांव के जमीन का अधिकार हमारे ध्यान में नहीं आया। दीपा पाटिल साहब के लिए, साहब के मन में आया, इसके लिए वो मैदान के ऊपर लड़े, गोलियां ली दीपा पाटिल साहब ने ली, बाकी जिन्होंने जिन्होंने आंदोलन नहीं किया, आज भी सिडको का काला दिन हम मना रहे, कितने नेता लोगों फ्रंट में है। यस, जो जो फ्रंट में है उनको मालूम है लोगों के हक के लिए जिम्मेदार हम है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी लेंगे। और अब अभी हम बोलेंगे इन्होंने फंसाया, वो नहीं बोलेंगे, अभी वो सिडको में चाय पीते रहेंगे एमडी के साथ, और बोलेंगे इनको, इनकी जो चालू है सब चलने दो, हमारा कौन सा प्लॉट दे रहे हैं, स्कूल का दे रहे हैं, इंडस्ट्री का दे रहे हैं, हमको कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मिल रहा है, भराव कितने करोड़ का मिल रहा है, ये सब चालू है, अभी एयरपोर्ट में वही ये काम चालू है। यस, लेकिन लोगों के हक के लिए दीपा पाटिल जैसे आदमी लड़ते हैं, और दीपा पाटिल साहब का विचार जिनको मान्य है वही नेता है, बाकी लोग सब ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे, उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता मैं। उन्होंने बहुत गलत काम किया है, अपने लोगों को फंसा के काम किया है, अपने लोगों को फंसा के जो बड़ा होता है, उनकी हालत क्या होती है सबको मालूम है। यहाँ पूरे देश में बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े साहूकार हो गए, लेकिन नाम महापुरुष लोगों का लेते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सब बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने लोगों के लिए काम किया, वही नेता है। नेता की कंसेप्ट अभी बदली है, जिनके पास 5,000 करोड़ का काम है, जिनके पास मर्सिडीज है वो नेता है, वो ऐसा नहीं। पटेल साहब, जो बात मैंने पहले पूछी थी मैं फिर से आपको थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, उसमें आपको लगता है कि ये लड़ाई या प्रकल्पग्रस्तों की नहीं है, जो लीज होल्डर्स हैं उन्हें भी अब मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा आने वाले टाइम? अरे बेच देंगे, अपने घर बेच देंगे लोग, एफएसआई बढ़ा देंगे और बिल्डर लोगों को बेच देंगे, और आपको फिर एसआरए करेंगे आपका, जैसे मुंबई के झोपड़पट्टी का हो गया ऐसा न्यू बॉम्बे का झोपड़पट्टी बन जाएगा, एक जगह में जो छोटा सा फ्लैट है वो दे देंगे, और उसके 4 एफएसआई, बाकी का पैसा वो दूसरों को बेच देंगे। सीधी बात है, गरीब लोगों का हो गया, वो भी मध्यम वर्ग का भी होगा, तो उसके लिए लड़ाई में सब लोग उतरना चाहिए, सिर्फ एसआरए, झोपड़पट्टी, कोलीवाड़ास, गावठान, इनका ही सब्जेक्ट नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का सब्जेक्ट है, ये नहीं करेंगे तो आपको बेचने के लिए लोग तैयार है। वैसे भी सब अभी जो प्रॉपर्टीज है देश की वो बेचना शुरू हो गया है, और जो लीज होल्डर हैं वो समझते हैं कि ये लड़ाई जो है प्रकल्पग्रस्तों की है, नहीं, मेरी लड़ाई तो है नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना घर खरीद लिया है, मैं तो आराम से हूँ, मैं अच्छी बिल्डिंगों में रहता हूँ, तो हमारी ये लड़ाई नहीं है। ये गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, इतना गलत है कि आप कानून नहीं जानते हैं। जैसे मैंने बोला मराठी में, जो बच्चा पूछता है प्रश्न, भारत माझा देश है, भारत मेरा देश है, तो आपको दिखाना पड़ेगा वो कारगिल में है या वाशी में है, वो ट्रॉम्बे में, तुर्बे में, मुंबई में, सब जगह देश है। लड़ाई सिर्फ कारगिल में नहीं होगी, समुद्र से होगी तो इधर भी लड़ना पड़ेगा, न्यू बॉम्बे समुद्र के बाजू में, तो हमारे जमीन के लड़ना है।
और पाकिस्तान रहेगा तो शत्रु दिखता है, चाइना है तो दिखता है, लेकिन सिडको भी अपना शत्रु है, ये जब तक आप नहीं पहचानते। गोली उधर से ही आती है, पुलिस ही उधर से आती है, घर पाड़ते है, गांव वालों के घर तोड़े गए, लोगों ने न्यूज देखी, लेकिन गांव वालों के प्रति सहानुभूति किसी को नहीं मिली। मतलब सब लोगों ने आना चाहिए था गांव वालों को, इनका घर क्यों पाड़ रहे बाबा, हाँ आप हमारे भाई है, वो उनके साथ में लड़ना आना चाहिए था, लेकिन ये जो सोच है कि अपने घर में एसी लगा के हम सुखी बैठे, वो गलत विचार है। और देश बिक जा रहा है, सिडको तो बेच रही है सब, अपना जो 10 गांव बेचा गया हमारा एयरपोर्ट का, और नैना में बाकी के गांव बेच रही है, अलीबाग में बेच जा रहे हैं, जमीन बेचने का ही धंधा है। मैं अभी 7-8 दिन पूरा बात चालू है सिडको के बारे में, हमारे नेता गणेश नाइक साहब ने भी बात की कि 3 और 4 रुपया स्क्वायर मीटर से जमीन खरीदी गई विधानसभा में, उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाया, 3 लाख स्क्वायर मीटर से बेची गई, तो 3 लाख स्क्वायर मीटर से बेची गई, पैसा देश का गया किधर? मतलब गांव वालों के विकास में लगना चाहिए था, वो पैसा किधर गया? पूरे भारत में गया, रायगढ़ में दिख ना रहे पैसा। मतलब ये जमीन बेचने का धंधा अपने देश में हो रहा है, और गरीबों की जमीन बेच रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे अग्रिकोली समाज को, कराड़ी समाज को जमीन के मालिक बनाए थे, उनको फिर से भूमि बनाने का काम सिडको ने किया है, इसके लिए सिडको का मेरा निषेध है। पाटिल साहब, आपने बहुत कंक्लूजन वाली बात कही कि कहीं ना कहीं सिडको और उसके साथ जो मिले हुए नेता रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके जरिए भी अन्याय हुआ है प्रकल्पग्रस्तों के ऊपर। और मैं अभी इस जो लाइव सेशन हमारा जो सीधा प्रसारण चल रहा है, सिडको के 50 साल कितने सवाल, कौन मालामाल, कौन हुआ कंगाल, और इसी विषय पर आज अपने न्याय के लिए प्रकल्पग्रस्त, हजारों प्रकल्पग्रस्त आज नोइंबई में आंदोलन कर रहे हैं। मैं इस लाइव प्रसारण का, सीधा प्रसारण का मैं समापन करूं, इससे पहले जो नेताओं के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अधिकारी तो भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर तो क्लियरली कहा जा रहा है कि इन्होंने धांधली की, इन्होंने बेईमानी की, नियमों का सही पालन नहीं किया, जो कानून बनाए गए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं उन्होंने किया, इसलिए आज मजबूरन प्रकल्पग्रस्तों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए। लेकिन जो नेताओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे तमाम नेता ऐसे हुए हैं, दीवा पाटिल साहब को छोड़ दिया जाए, तो जिन्होंने भी प्रकल्पग्रस्तों के साथ अन्याय किया है, सिडको और जो कंसर्न एजेंसियां रही हैं उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाकर प्रकल्पग्रस्तों को सड़क पर दुखी रहने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन अब इन प्रकल्पग्रस्तों का नया नेतृत्व मिल रहा है, और इस नए नेतृत्व में राजाराम पाटिल साहब भी हैं, इस नए नेतृत्व में दशरथ भगत साहब भी हैं, इस वक्त दोनों नेता हमारे साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं दोनों से एक एक करके सवाल पूछूं कि जो आरोप पुराने नेताओं पर लगे हैं कि उन्होंने अन्याय किया है, उन्होंने अन्याय के साथ खड़े रहे हैं, तो क्या आप लोगों की अभी भूमिका किस तरह से रहेगी? क्या उस कलंक को धोने का कोई रास्ता है? क्या प्रकल्पग्रस्तों को वाकई न्याय दिलाने का कोई अभी रास्ता बचा हुआ है? भगत साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ, चूंकि आप इस लाइव सेशन में हिस्सेदार रहे हैं, लंबे समय तक आपने प्रकल्पग्रस्तों का प्रबोधन किया, उसमें बहुत सारी जानकारी दी, सिडको की भूमिका का आपने जिक्र किया, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह का आरोप लगता रहा है, अब आप लोग कैसे, अब नए दौर के नेता हैं, नई सोच है आपको, निष्ठावान है आप लोग, किस तरह से इस पूरे आंदोलन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या ये वाकई अभी भी प्रकल्पग्रस्तों का आंदोलन रहेगा कि इसमें सामूहिक तौर पर जो लीज होल्डर हैं वो भी, जिनकी भूमिका बनती है, जो भी वो भी अन्याय से पीड़ित होने वाले हैं या पीड़ित हैं, उन्हें भी साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत आपको लग रही है? हाँ, जो आंदोलन सिडको चाहे विरोध मजे राज्य शासन, राज्य शासनाच्या वतीने सिडको चा जो विरोधात मजे राज्य शासनाच्या विरोधात, कारण सिडको राज्य शासनाच्या वतीने सिडको बेईमानी करत आहे या ठिकाणी, भूमिपत्रावर करतोय, तसेच शहरी भागावर सुद्धा करतोय। आमचं म्हणणं आहे की आज या ठिकाणी आमचे जुने नेते आहेत, नवीन यंग पिढी आहेत, आम्ही सर्वजण आहोत, आणि ह्याच्यासोबत ज्या शहरामध्ये जे विविध प्रश्न आहेत, मग त्यामध्ये फ्री होल्डचा असेल, ड्रीम कन्व्हेन्स असेल, त्यांचे नागरी सुविधा असतील, त्यांचे पार्किंग भूखंड असतील, असे अनेक प्रश्न आहेत। आता आम्ही आपण भाऊ आहोत, आमचे भाई भाई आहे, येस, ही लढाई हमारी भाई की लढाई आहे, आपको भी जमीन चाहिए, हमें भी जमीन चाहिए, बिलकुल। भूदान का मतलब क्या होता है? विनोबा भावे ने भूदान के बारे में बात की थी, जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दे दो, हमने तो पैसा दिया है, जो इस लीज पुत्रों ने, शहर के लोगों ने पैसा दिया है,
वो तो जमीन की मालिक किधर आज हम तो जमीन की हमको तो ऐसे ही खत्म कर दिए जो पुनर्वसन की दे दी है वो भी जमीन मालिक ने है जमीन मालिक ले लिया और लीज कर लिया लड़ाई दोगांची है मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो लड़ाई है इसके अंदर सिटी जबरपट्टी भी है सिर्फ शहरवासी नहीं शहरवासी के साथ साथ भूमिपुत्र के साथ साथ और जबरपट्टी ये भी आना चाहिए मार्केट भी आना चाहिए इंडस्ट्रीज भी आना चाहिए क्योंकि हम सब भाई है हमारे सबका दुख एक है हमारे जो दुश्मन है ये दुश्मन जो अधिकारी लोग है जो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको जो घटना क्या है संविधान क्या है वो संविधान उनको सब पता होने के बावजूद भी वो जो कानून दरकिनार रखे इस जनता को जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट लिया है वैसा इस जनता को कैसा हम लूटे क्योंकि जो सामने से जो अधिकारियों का जो गोली का जो मार है जो रिवॉल्वर है वो दिख नहीं रहे जो सिटी जोरपट्टी और इंडस्ट्री और व्यापारी उनको भी मेरा कहना है हम सब भाई है आपका भी दुख एक ही है जितना भूमिपुत्र का दुख है उससे ज्यादा दुख आप लोगों का है आपको आपके बच्चों के लिए स्कूल प्लॉट दे दिए कॉलेज के प्लॉट दे दिए आपके बच्चों के लिए दे दिए तो भी कतार में लगना पड़ता है यस जिन्होंने यह मकान दुकान लिया है उनके लिए स्कूल प्लॉट है उनके बच्चों के लिए है लेकिन स्टूडेंट कहाँ से आ रहा है मुंबई से आ रहा है क्यों ये आपका हक और अधिकार नहीं अच्छा बहुत सारे मुद्दे हैं बहुत सारे मुद्दे आज भी पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ एक फ्लैट ले लिया कि हम मालिक हो गए आप मालिक दीवार और स्लैब के हो गए इस दीवार के मालिक हो गए जमीन की नहीं और जमीन आज भी बिल्डर के नाम पे है या छिड़को के नाम पे आपके नाम पे क्या है यस ये बहुत दुख है लेकिन ये जन जागृति करना ये जन जागृति करना है आज नहीं कल नहीं लेकिन होता रहेगा जैसा रीडेवलपमेंट का मैंने हमें सभी बात की है चार ए पैसे बोले चार ए पैसे अच्छी बात है मुझे हमें लेकिन चार ए पैसे के में से जो टेनेंट है जिसका वास्तव में पुनर्वसन होना है या रीडेवलपमेंट होना है उसके इच्छा के लिए कितना है वो तो बताओ वो बताइए ना और हमारे भाई भी पूछ नहीं रहे कि हमारे हिस्से में कितना है वो कानून के जरिए हमें हक मिलना चाहिए कानून बनना चाहिए उसका ताकि हमारा ये पैसा कोई चोरी न करे ये भी हक है कि नहीं पूछ नहीं रहे कोई लेकिन हमारा काम है कि जैसे हम हमारे जो भाई है हमारे जो भूमिपुत्र है उनकी जन जागृति कर रहे हैं वही उनकी हक की अधिकार की जन जागृति कर रहे हैं सिड़कों ने उनके भी लूट लिया है आपको भी लूट लिया है आपको भी हम जन जागृति करेंगे हम साथ में आएंगे मिल के लड़ा आगे लेके जाएंगे पाली साहब क्या कहना चाहेंगे जैसे मैंने सवाल पूछा कि अब आप लोग नए दौर के नेता हैं पुराने कलंक को धोना है और वाकई प्रकल्पग्रस्तों के लिए और जो लीज होल्डर्स हैं उनको न्याय दिलाना है कैसे आप इसे ड्राइव को आगे बढ़ाएंगे हमारे भगत साहब ने अभी बात कही और चर्चा का जो बहुत अच्छा जो ये मतलब स्थान है वो अभी आ गए कि ऐसा कहके मत छोड़ दीजिए कि ये प्रकल्पग्रस्तों मतलब गांव वालों का इश्यू है हमारे पूरे देश को जो भूमिहीन थे मतलब 85% भूमिहीन लोग थे हमारे देश में मनुस्मृति उनको अधिकार नहीं दे रही थी तो उनको अधिकार देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है जिसको बोलते हैं कुल कायदा जो किया जो कसता है जमीन करता है जो क्या बोलते हैं उसको नांगर धरता है मराठी में उसको जमीन का हक मिलना चाहिए वो हक बाबा साहब अंबेडकर ने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिया और उसमें डायरेक्टली आगरीकोली लोगों का संबंध आता है छत्रपति शिवाजी महाराज में महाराष्ट्र में जमींदार लोगों का जो सरकार था आदिलशाही निजामशाही और देशमुख और पाटिल लोग मालिक थे आके उनसे जमीन खींची और गरीब लोगों को रहतेला दी जमीन वो रायगढ़ में हुआ और अभी दीबा पाटिल साहब ने आंदोलन किया सिड़कों के खिलाफ कि पूरा जमीन आपका नहीं हो सकता है हमारे रहने के लिए जमीन चाहिए और उसके लिए 5 लोग मर गए हमारे इधर वो भी हमारे रायगढ़ और थाना डिस्ट्रिक्ट के लोग यस और एसीजेड के खिलाफ जो लड़ाई होगी दत्ता पाटिल साहब ने की कि आप एसीजेड बना रहे हो जमीन ले रहे इतना जमीन ले रहे हो उसमें पहले से हमारा मिठाकर है मच्छीमारी है और आप कौन सा नया एसीजेड बना रहे वो वही टाइम भी प्रश्न पूछा था 2005 में आप 15 साल के बाद एक भी धंधा उधर हुआ नहीं जमीन ऐसी ही खाली है मतलब जमीन लेने का ही आपका टारगेट था तो इसके खिलाफ भी आंदोलन ये
रायगढ़ के लोगों ने किया है। अभी भगत साहब न्यू बॉम्बे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सभी शहर लोगों भाई को लिए, वो वही पढ़ाई कर रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं फ्लैट लिया है हम सिक्योर है हमारा कोई टेंशन नहीं, ये जो हमारी आपकी भूल है उसको आपको सच्चा ज्ञान क्या है, दुख का मूल क्या है, भगवान बुद्ध ने बताया कि दुख के नीचे क्या है, मतलब उसका मूल कारण कौन सा है, मूल कारण यही है तुम जमीन के मालिक नहीं हो, तुम सब वो ईट है सीमेंट है स्लैब है उसके मालिक हो, लेकिन जमीन के मालिक कभी बनोगे। ये आंदोलन फिर से सिडको के खिलाफ जो अभी हो रहा है ये हमारे पुराने आंदोलन की ये पुनरावृत्ति है और उसका नेतृत्व गांव वाले कर रहे हैं, गांव वाले कर रहे हैं, मतलब वो हल्का आंदोलन है छोटा ऐसा नहीं है। अभी भी अपने देश को मालूम नहीं है कि जमीन किसके नाम पे चली जा रही है, सेंटर में आंदोलन चालू है सबके अंदर आंदोलन, सबका हेतु क्या है, जमीन अपने नाम पे हो जाएगी गुलाम करके काम करेंगे और हमारी देश की आजादी उसके लिए होगी कि अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए हम स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन जमीन जिसके नाम पे होती है वही उसकी उसी के हम गुलाम रहते हैं। यस, वो खेत के गुलाम रहने दो या फ्लैट के लीज के सिडको के गुलाम होने दो, ये गुलामी है, ये सिडको ने जो गुलामी ला दी है या उसको फेंकना चाहिए, अभी सिडको की जरूरत नहीं है, हम न्यू बॉम्बे चला सकते हैं, हमारी ताकत है और सब भाई हमारे नवी मुंबई महापालिका पनवेल महापालिका में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपना अपना शासन कर रहे हैं, तो तुम्हारी जरूरत क्या है, लीज वाले आप साहूकार इधर क्यों चाहिए। और ऐसा भी हो बहुत 420 गिरी है, मैं सिडको मतलब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, हर दिन उस दिन उधर फ्रॉड होता है और इसके खिलाफ किधर भी एनसी नहीं होती, पुलिस स्टेशन में नहीं होती, घर पाड़े गए पुलिस केस नहीं लेता है, वो बोलते हैं वो अनधिकृत बांधकाम है, अरे हम पहले से इधर रहते हैं जब सिडको भी नहीं था, तुम कौन से कानून लाए हैं अनधिकृत है हम, तो पूरे देश को आप अनधिकृत करा दोगे क्योंकि रास्ता वैसा नहीं है, तुमने मेरे रास्ते बनाए हम ही हमारे जमीन के ऊपर। मराठी में एक मन है हमारे आयत्या पीठावर रांगोळी आयत्या बिळात नागोबा, हा सिडको हा आयत्या बिळात नागोबा आणि आरत्या आयत्या पीठावर रांगोळी करणारे एमडी आहेत आणि म्हणून नवी मुंबई विमानतळात आपल्या जे एन पी टीमध्ये 2 गावं उठवली 10 गावं तिथली उठवली, त्या गावांचं साधं प्लॅनिंग टेबलवरचं प्लॅनिंग सिडकोच्या आर्किटेक्ट लोकांना करता आलेलं नाही, याचं कारण आहे ते लोक कृतज्ञ आहेत, ते जे पगार घेत आहेत हे पगार म्हणजे इथल्या गरिबांचे शाप ते घेत आहेत, त्यांना सुख भेटणार नाही, म्हणून आपल्या देशामध्ये इमानदारीच्या गोष्टी संत महंतांनी केल्या, अशा प्रकारची बेईमानी तर आमच्याशी शत्रूंनी पण नाही केली, मोगलांनी पण नाही केली, इंग्रजांनी पण नाही केली, आम्ही तुम्ही कुठल्या मातीचे लोक आहात की तुम्ही आपल्याच भावांना फसवताय आणि आम्ही फसवून घेतोय त्यापेक्षा वाईट आहे। आणि म्हणून हे आंदोलन शिकलेल्या गाववाल्या मच्छीमार आगरी कोळी कराडी भंडारी आणि भारतातल्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांचं काम आहे, सगळ्यांना ह्यांनी भूमिहीन केलेलं आहे सिडकोने। सिडकोमध्ये कोणी जाऊन विचारत नाही साहेब आम्ही जो फ्लॅट केला त्याची मालकी जमिनीची कधी भेटणार, म्हणजे खरं म्हणजे माणसाच्या मनातल्या ह्या गुलामगिरीला आपल्या महात्मा फुल्यांनी सांगितलं की तुम्ही गुलाम का आहात, कारण तुम्हाला सत्याचं ज्ञान नाही, तुम्हाला सावकार फसवत आहेत। आज सिडकोमध्ये जगातले देशातले सगळे लोक येतात, त्यांना चक्क फसवलं जातंय, लीज ॲग्रीमेंट करतात तुमचे, मग पैसे का द्यायचे, भाडे करारासाठी डिपॉझिट द्यायचे थोडेसे आणि लीज करायचं, तुम्ही खरेदी करताय रजिस्टर फी भरताय सगळ्या नोंदणी करतात पण तुम्ही शेवटी भाडे करारच, आणि म्हणून ही फार मोठी फसवणूक आहे। माझ्या मला इथल्या सगळ्या खासदारांना आणि आमदारांना विनंती आहे की तुम्ही आमदार खासदारात तुम्ही कायदे बनवता, सिडकोने चुकीचं केलेले कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही रद्द करू शकत नाही, मग विधानसभेत तुम्ही चर्चा कसल्या करता, तुम्हाला आम्ही बुद्धिमान आमचे नेते म्हणून का म्हणायचं, तिथे चर्चा कसली झाली पाहिजे। म्हणून ही फसवणूक ग्रामस्थांची पण आहे आणि शहरवासींची पण आहे, ही लढाई पूर्ण देशाने एकत्र लढली पाहिजे। अशा प्रकारचे सिडको सारखे सावकार मग MMRDA असेल सेज असेल या प्रकल्पांना उद्ध्वस्त करणं हे देशाच्या सीमांचं रक्षण करणं एवढंच महत्त्वाचं आहे आणि आम्ही सगळे आगरी कोळी लोक सीमांचे रक्षण करते आहोत, म्हणून पहिला फटका आम्ही अन्याय नाही सहन करत कधी आणि म्हणून आम्ही लढणारे लोक आहोत। म्हणून देशातल्या नागरिकांना विनंती आहे तुम्ही आमच्यासोबत या, आम्ही तुम्हाला फसवत नाही, आम्ही तुम्हाला सत्याचं ज्ञान करून देतो। पाटील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, भगत साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने सभी दर्शकों का जो अभी तक हमसे जुड़े हुए थे मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आज सिडको के स्थापना दिवस है, 51st डे है आज उनके स्थापना का, उन्होंने जो अच्छा विकास किया उसके लिए निश्चित तौर पर मैं सिडको को बधाई देता हूं, लेकिन जिन्होंने अन्याय किया है जो अभी तक उन्होंने न्याय नहीं दिया है उसकी उम्मीद मैं इसी मंच से करता हूं। जो हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा निश्चित तौर पर अगर ये लड़ाई आगे भी जारी रहती है तो याद रखिए कि ये प्रकरणग्रस्तों की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ स्थानीय लोगों की और गाँव वालों की लड़ाई नहीं है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये लड़ाई सबकी है जिन जिनके साथ ये अन्याय हुआ है और आगे भी अन्याय हो रहा है।
तो उनको मिलकर साथ लड़ने की जरूरत है। ये जो हमारे नए नेता है, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, निश्चित तौर पर आपको जागरूक करेंगे, आपको जानकारी देंगे, आपको कानून के बारे में बताएंगे, आपको हक के लिए लड़ने के लिए स्वयं सड़क पर उतरना पड़ेगा। आज के इस सीधे प्रसारण में बस इतना ही। आप दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, TV1 इंडिया। नमस्कार।